हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज एबीसी लिया है, जहाँ बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी हमने लिया जहाँ कोण बी बराबर 90 अंश, यानी त्रिभुज एबीसी क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। अब यदि हमें इस समकोण त्रिभुज में कोण ए का मान पता हो तो आप कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोण सी का मान ज्ञात हो तो हम कोण ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बी कोण बी का मान हमें ज्ञात है। क्या कोई ऐसा संबंध ए और सी के बीच में है जिससे हम ए ज्ञात होने पर सीधे तौर पे सी और सी ज्ञात होने पर सीधे तौर पे ए ज्ञात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। अब चूंकि कोण बी समकोण है तो बी का मान, कोण बी का मान हम कितना लिखेंगे? 90 अंश। तो ये हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे और हल करने पर हमें क्या मिलेगा? कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश पक्षांतर पर। इस प्रकार हमें मिला कोण ए धन कोण सी बराबर 90 अंश, यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? यानी कोण ए व कोण सी पूरक कोण है, पूरक कोण की परिभाषा से। तो अब हम कोण ए के ज्ञात होने पर सीधे तौर पे कोण सी या कोण सी ज्ञात होने पर सीधे तौर पे कोण ए निकाल सकते हैं। कैसे? यदि हम मान लें कोण ए थीटा है, हम ले लेते हैं कोण ए बराबर थीटा, तब इस संबंध से क्या कह सकते हैं हम? कोण सी कितना होगा? कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका आ गया कोण सी का मान हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब हम इन दोनों कोणों के लिए, जो कि न्यून कोण है समकोण त्रिभुज के, इनके लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इस समकोण त्रिभुज एबीसी के न्यून कोण ए और दूसरे न्यून कोण सी के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोण ए के लिए, कोण ए बराबर थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम न्यून कोण ए के लिए, जिसे हमने थीटा माना है, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब, यानी कि बी सी बटे कर्ण हो गया हमारा ए सी। लंब बटे कर्ण से ये हो गया बी सी बटे ए सी। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान ले लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, चूंकि ये लंब है थीटा के लिए, तो ये हुआ आधार ए बी बटा अगेन कर्ण ए सी। तो ये हुआ ए बी बटा ए सी। फिर से हम ज्ञात कर लें टेन थीटा, यानी कि लंब बटे आधार, तो बी सी बटा ए बी ये ज्ञात होने के बाद कोसेक, इसे ज्ञात करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका विलोम, या हम कहें कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, तो हम लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी। बिल्कुल उसी प्रकार सेक थीटा हो जाएगा ए सी बटा ए बी, और कॉट थीटा हो जाएगा ए बी बटा बी सी। अब हम दूसरे न्यून कोण सी की बात करते हैं। कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात।
चलिए बिल्कुल इसी प्रकार अब हम कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा न्यून कोण अब है सी, इसके सम्मुख भुजा अब लंब होगी तो ए बी लंब बटे कर्ण, तो ए बी बटे कर्ण हमारा वही है ए सी। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम ज्ञात करें कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब आधार चूंकि ये लंब है कोण सी के सापेक्ष तो आधार होगा बी सी, तो बी सी बटे ए सी। फिर हम ज्ञात कर लें टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा अगेन हम बात करेंगे तो लंब बटे आधार, इसके लिए लंब ये है और आधार बी सी, लंब है ए बी, ए बी बटा बी सी। चलिए बात कर लें कोसेक की, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने पहले देखा था कर्ण बटे लंब, तो कर्ण ए सी और 90 माइनस थीटा के लिए लंब ए बी। सेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इसका विलोम ले लेते हैं ए सी बटा बी सी क्योंकि कर्ण बटे आधार, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बी सी बटा ए बी यानी कि आधार बटे लंब। ये जो हमें त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त हुए हैं अलग अलग न्यून कोण के लिए, इनका यदि हम अध्ययन करें इनकी तुलना की जाए तो हम देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा के लिए हमें मिला है ए बी बटा ए सी, और इसी वैल्यू को आप यहाँ देखें कॉस थीटा के लिए भी आपके पास ए बी बटा ए सी मिल रहा है। यानी तुलना करने के बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू कॉस थीटा की है, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यदि हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमें मिला है बी सी बटा ए सी, जो कि साइन थीटा बराबर भी बी सी बटे ए सी है, तो इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं हम। आगे इसी प्रकार अपनी तुलनात्मक अध्ययन हम करते रहें तो हम देखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू देखिए ए बी बटा बी सी, जो कि आपको यहाँ पे कॉट थीटा के लिए दिखाई दे रहा है, ये देखिए कॉट थीटा ए बी बटा बी सी, और यहाँ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो भी ए बी बटा बी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये तुलना करके हम लेके आ रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अगला बढ़ते हैं, देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अब ये देखते हैं कि इसके लिए जो हमें मान मिला है वो किसके समान है, तो यहाँ पर देखिए ए सी बटा ए बी, ये देखिए ए सी बटा ए बी, तो कोसेक 90 माइनस थीटा का जो मान आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए वो सेक थीटा के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है सेक थीटा। आगे बढ़ें तो देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए सी बटा बी सी, तो देखिए यहाँ पर कोसेक के लिए कोसेक थीटा बराबर ए सी बटा बी सी, तो हम क्या लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और लास्ट हम ले लेते हैं कॉट के लिए, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आ रहा है बी सी बटा ए बी, तो आप ये देखेंगे कि टेन थीटा जो हमने थीटा कोण ए के लिए जो निकाला था वो मिला था हमें बी सी बटा ए बी, तो इसे लिखा जा सकता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना मिला कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, इसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, इसे हम कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात।
ये छहों त्रिकोणमिति अनुपात आपको इनके जो संबंध है वो आपको याद होने चाहिए। सोचें एवं चर्चा करें, क्या उपरोक्त संबंध थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के सभी मानों के लिए सत्य है? करके देखें। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के संबंध का प्रयोग करके नीचे की सारणी को पूर्ण कीजिए।